एटीएम काटने का प्रयास कर रहे युवकों को पुलिस ने लिया हिरासत में। थाना प्रेमनगर क्षेत्र में जीआरएम पब्लिक स्कूल के सामने कुछ लड़के एटीएम काटने का प्लानिंग कर रहे थे, तभी चीता मोबाइल दस्तक करती हुई वहां पहुंची। जब उन्होंने उन लड़कों को वहां खड़े देखा तो पूछताछ शुरू की। इतने में वहां खड़े विभाग भागने लगे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद चार युवकों को हिरासत में लिया है। एक युवक भागने में कामयाब हो गया। उन चार युवकों से कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वह एटीएम काटकर पैसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। उनके पास से एटीएम काटने के औजार भी बरामद किए गए हैं। इस बात का खुलासा करते हुए एसएसपी रोहित सजवान ने बताया कि पुलिस की सक्रियता की वजह से एक युवक घटना को अंजाम नहीं दे सके। इन चारों को जेल भेजा जा रहा है और जो फरार हुआ है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। थाना प्रेमनगर के अंतर्गत कल 3 बजे के आसपास, देर रात्रि को 3 बजे के आसपास चार पांच लोग थे। ये वहाँ पर जो एटीएम है उनके आसपास घूम रहे थे। इसी में पहले ही एक्सिस बैंक के एटीएम के अंदर गए, वहाँ पे इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है उसको मिट्टी से ढक दिया जिससे कि ये पकड़ में ना आए। उसके बाद जब इनको लगा कि यहाँ पर आवाजाही ज़्यादा है तो उसके बाद वो निकलकर बैंक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम में वहाँ पे गए और वहाँ पे ये अपने जो औजार थे एटीएम काटने के जो औजार थे उसको लेके वहाँ पे गए थे जिससे कि ये एटीएम को काट के उससे जो पैसा है उसको निकाल सकें। इसी बीच वहाँ पर एक होमगार्ड थे, उनके द्वारा ये इनको देखा गया। ये सूचना जो है तत्काल ही पुलिस को दी गई। वहाँ पे जो चीता के मोबाइल के सिपाही थे और उनके द्वारा इनको वहाँ पे दौड़ाकर पकड़ लिया गया, जिसमें से एक व्यक्ति है वो जो पांचवा आदमी है वो वहाँ पे तमंचे से फायर करके भाग गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिसमें से एक हरियाणा का है और बाकी जो दो लोग हैं वो बरेली के हैं और एक फिरोजाबाद का है। इन चारों ही को गिरफ्तार किया गया और जो पांचवा अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास चल रहा है। प्रेमिका का क्या एंगल था, प्रेमिका से कौन मिलने आया था? इसमें जो हरियाणा का लड़का है उसके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी वो बरेली अपनी प्रेमिका से मिलने आता था और इसी दौरान वो इन लोगों के संपर्क में आया और उनके माध्यम से ये पूरी घटना का इनका प्लान बना और ये पूरी घटना कारित करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। रात्रि कर्फ्यू लगने से बैंकेट हॉल वाले परेशान। 11 बजे से 8 बजे तक कर्फ्यू लगाने की मांग। बरेली बैंकेट हॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में टेंट हाउस एसोसिएशन एवं केटरर्स संघ की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। मांग की रात्रि कर्फ्यू 9 बजे से 6 बजे तक लगाया है उसे हटाकर 11 बजे से सुबह 8 बजे तक करने की मांग की। अध्यक्ष गोपेश अग्रवाल ने बताया जिसमें कोरोना जैसी महामारी में अपने आप को, जनमानस को और अपने व्यापार को कैसे बचाया जाए, एक साल से हमारे व्यापार को क्या हालत हो गई है यह सर्वविदित है। एक बार फिर सबका सहयोग करने व सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश मानने और लागू करने को तैयार हैं। हमारे व्यापार और इससे जुड़े छोटे बड़े व्यापारी, स्टाफ, लेबर सबका हित होता रहे इसके लिए मांग की है कि शहर में लगाया गया रात्रि कालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से प्रातः 8 बजे तक कर दिया जाए क्योंकि हमारा व्यापार देर शाम से ही शुरू होता है। मैं गोपेश कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन बरेली। हमारे साथ में आरिफ भाई मौजूद हैं, लईक भाई मौजूद हैं। आज यहाँ पर सारे शहर के टेंट व्यवसायी, बैंक्वेट हॉल स्वामी, केटरिंग करने वाले, डीजे वाले, जो हमारे शहर के कलाकार हैं, वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये जो रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है अगर इसका समय 9 बजे तक रखा गया तो हमारा सारा का सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। इस संदर्भ में ही आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब को देने जा रहे हैं और हमारी विशेष मांग ये है कि ये जो कर्फ्यू रात्रिकालीन लगाया गया है इसको 9 बजे से 11 बजे कर दिया जाए, 11 बजे से सुबह 8 बजे तक इस कर्फ्यू को लगा दिया जाए। जो प्रशासन की तरह से लगाया गया है वो है रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। हमारी मांग ये है कि वो कर्फ्यू का टाइम पूरा लें,
जो कोरोना वायरस की चेन को ब्रेक करने के लिए, शहर को सैनिटाइज करने के लिए, सफाई करने के लिए ये रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है, इसके लिए वो पूरा समय ले, लेकिन सिर्फ इसको 9 बजे की जगह 11 बजे तक कर दे और सुबह 6 बजे की जगह 8 बजे कर दे। 11 बजे तक होने से जितनी भी शादी के प्रोग्राम हैं वो सारे सही तरीके से पूरे संभावित हो जाएंगे, और इसमें अन्यथा सारे के सारे जो हमारा व्यापार है वो बिल्कुल चौपट हो जाएगा। पूरा एक साल से हम इस व्यापार को झेलते चले आ रहे हैं, पूरा का पूरा पीरियड लास्ट ईयर का लॉकडाउन में चला गया, जनवरी फरवरी में साया ही नहीं था, अब आकर अप्रैल मई जून में कुछ साया है। अगर ये रात्रिकालीन कर्फ्यू नहीं हटाया गया तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे, अपनी बात को मनवाएंगे, ये हम लोगों को विश्वास है कि प्रशासन हमारी तकलीफ को एहसास करते हुए हमारी बात मानेगा। बहेड़ी में रहने वाली युवती ने अपना वीडियो किया वायरल। गाड़ी में रहने वाली युवती ने अपना एक वीडियो बनाकर वायरल किया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो के माध्यम से युवती ने बताया है कि वह जिससे प्रेम करती थी लगातार पिछले 6 सालों से शादी का झांसा दे रहा है और उसके जिस्म से खेल रहा है। इकबाल शेरी की पेट में मोहम्मद बनाया अपने मेरे साथ, मेरे साथ सात साल तक मोहब्बत का खेल खेलता रहा और 4 साल पहले मुझसे निकाह किया, और जब अब नंबर आया घर पे बात करने का तो मुझे रखने के लिए बना घर और कह रहा है जब मर जा कहीं जाके, और इस सब के पीछे सलीम अख्तर का हाथ है, वो की हेल्प कर रहा है। मुझसे कह रहा है जाकर सुसाइड कर, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगी। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों की वजह से गुजरात की एक लड़की ने सुसाइड की है, इतने घटिया हो गए ये लोग, कुछ पूछो ही मत। और मुझे हम लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर उनके घर गए तो चोरी डकैती का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी अगर इंसाफ नहीं मिला तो। और सबका जिम्मेदार सिर्फ मोहम्मद नायब, उसकी फैमिली और सलीम अख्तर होंगे। इस वीडियो को देखकर एसएसपी रोहित सजवान ने तुरंत थाना बहेड़ी को मुकदमा लिखकर उस युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। थाना बहेड़ी के अंतर्गत एक युवती के द्वारा अपना वीडियो जारी किया गया, जिसमें उसने ये बताया है कि एक युवक के द्वारा पिछले 5-6 साल से उसको शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया जा रहा है। पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले रही है और जांच कर रही है, और इसमें जो भी कार्रवाई विधिक कार्रवाई बनेगी वो उसमें की जाएगी। बेटी की किडनैपिंग की शिकायत करने पहुंचा परिवार एसएसपी कार्यालय। थाना नवाबगंज के रहने वाले ओमवती अपने परिवार के साथ आज एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने पसरगामा में रहने वाले सोनू सिंह की शिकायत की है। आपका? हमारा ओमवती। कहां से आई हो आप? नौमा वीरान से। थाना कौन सा लगता है आपका? नवाबगंज। हाँ, क्या हुआ था आपके संग, क्या घटना हुई थी? हमारे घर में जाए भैया है, तुम्हारी लड़की दवाई लेने आई है बरेली, वापिस घर पर आ गई तो फिर हमें बहुत दिन में पता लगो, हमें बहुत दिन में पता लगते जब हम गए हैं उस दिन, तो हम गए हैं हुआ पहुँचे जा पसगमा में, हुआ पहुँचे हैं हम पसगमा में, तो हम थोड़ी देर बैठे, हमारी लड़की बहुत रोए रही, कह रही हम घर पर जाएंगे, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम घर पर जाएंगे। तई उसने देखो मारो, हमों को मारो, और उस लड़की बहुत मारो है। कौन लड़का है जो आपकी लड़की को ले गया? सोनू। कहाँ रहता है ये? पसगमा आई थे बन के किनारे पसगमा। अच्छा, लड़की को मारो। इसकी शिकायत थाने में किया आपने? हाँ, बहुत दई, और पुलिस नहीं सुनता हमारी। तो फिर कप्तान ऑफिस में आज मिले, क्या कहा उन्होंने? हाँ, उनने तो ये कही, हाँ मिलेगी लड़की तुम्हारी। बरेली थाना भूजीपुरा के गांव वीरपुर मक्खन का रहने वाला 24 वर्षीय पप्पू पुत्र रामचंद्र बरेली परसाखेड़ा में प्राइवेट नौकरी करता था। बाइक से अपने घर जा रहा था राममूर्ति हॉस्पिटल के पास, ट्रक ने टक्कर मार दी।
ये काम करके वहाँ से जा रहे थे। कौन आ रहे थे? जो हमारे साले साहब हैं। क्या नाम था इनका? इनका पप्पू सिंह नाम है। कहाँ रहते थे? वीरपुर। थाना कौन सा लगता है? भोजीपुरा। हाँ, फिर क्या हुआ? तो ये काम करके जा रहे थे, तो सामने से बता रहे हैं कि वहाँ के लोग, मैं तो नहीं था साथ, मगर वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट जब हुआ है तो वो ट्रक से हुआ है। अच्छा, तो कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ? ये है राममूर्ति स्मारक हॉस्पिटल से थोड़ी पीछे। अच्छा, क्या करते थे ये? मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा, प्राइवेट फैक्ट्री में। शादी हो रखी थी? जी, एक लड़की भी है इन पे। अच्छा अच्छा, लमसम चार साल हो गए हैं शादी के। जिला गोंडा का रहने वाला 21 वर्षीय सूरज पुत्र जयप्रकाश बरेली के मॉडल रेलवे कॉलोनी थाना इज्जत नगर में जीजा अनिल शर्मा रेलवे इंजीनियर हैं। उनके साथ 10 सालों से रह रहा था और रेलवे विभाग में 19 सूरज को प्राइवेट नौकरी दिलवा दी थी, जिससे वह गुजर बसर चला रहा था। बृहस्पतिवार को 11 बजे अपने कमरे में घर में लगे कुंडी में फांसी लगा ली। मामला भी कोई क्लियर नहीं है, अचानक से फांसी लगा दी। कितनी उम्र रही होगी मृतक की? 21 साल। क्या नाम था? सूरज शर्मा। क्या करते थे? ये प्राइवेट जॉब करते थे। किस चीज, किस विभाग में? रेलवे में ही करते थे। अच्छा, कंप्यूटर ऑपरेटर। कहाँ रहते थे? रेलवे कॉलोनी। थाना कौन सा लगता है? इज्जत नगर। क्या वजह थी जो इन्होंने फांसी लगाई? वजह क्लियर नहीं है ना। बरेली थाना कैंट की डीसी कॉलोनी का रहने वाला 55 वर्षीय बलबीर पुत्र रोशनलाल के पुत्र अमित ने बताया, कल 1:30 बजे दोपहर में मेरे पिता ने घर के सामने लगे आम के पेड़ डिस्क के तार के द्वारा फांसी लगा ली। क्या नाम आपका? अमित। कहाँ रहते भैया? कैंट। क्या हुआ था आपके पिता को? पता नहीं, थोड़ा ऐसे डिप्रेशन में थे, घर में ड्यूटी वगैरह छोटी गई थी उनकी, इसलिए ऐसा। क्या करा था उन्होंने? कैसे मौत हुई थी? अचानक पता ही नहीं चला, मम्मी का फ़ोन आया कि फांसी लगा ली है, मैं घर पर अकेली हूँ, जल्दी किसी को भेज, रोने लगी। तो फिर मैंने फ़ोन करा मामा को, चाचा को, फिर ये लोग आए। क्या करते थे आपके पिता? प्राइवेट जॉब करते। किसी से कोई विवाद था या कोई? कोई नहीं, कुछ नहीं था। परसों मेरी बात हुई है, खूब अच्छे से बात करी मेरे से। किस चीज़ से फांसी लगाई थी, कहाँ पर लगाई थी? आम का पेड़ है हमारे घर के सामने ही, उसमें डिस्क के तार से लगाया था। किसने देखा था? मम्मी ने देखा पहले, मम्मी थी घर पे अकेली और कोई नहीं था।